दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल आर के पिंग इंडिया में। दोस्तों आज यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाले हैं और आप सभी के लिए गुड न्यूज भी है दोस्तों कि यहाँ पे जो मैं सीरीज स्टार्ट किया हूँ, जैसे कि आप जाके पिछला वीडियो देखोगे तो पार्ट वन पार्ट टू करके मैं यहाँ पे आप सभी को बिल्कुल फ्री में बेसिक से स्टार्टिंग से फॉरेस्ट ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ, उसी का सर ये यहाँ पे अगला पार्ट है। और इस पार्ट में जानेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न का, जो इंगल्फिंग पैटर्न है ना, बुलिश इंगल्फिंग और बियरिश इंगल्फिंग, बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आएगा सर। उससे पहले सर यहाँ पे देखिए, आपको मैं यहाँ पे डेली मीटिंग के जरिए मैं फ्री में फॉरेक्स ट्रेडिंग सिखाता हूँ। आप ये ट्रेडिंग सीख के आप घर बैठे आसानी से पैसे कमा सकते हो सर। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि मैं डेली रात को 8 बजे अपने टेलीग्राम में यहाँ पे मैं मीटिंग करता हूँ, तो आप जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा सर, ठीक है। और यहाँ पे मैं डेली मीटिंग जैसे करूँगा, आप वहाँ पे ज्वाइन करके लाइव हमसे बात करके आप ट्रेडिंग सीख सकती हो। बाकी अगर कोई भी क्वेरी है, कुछ जानना है, कुछ पूछना है आपको, तो मेरा नंबर भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहां से मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। बाकी सर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बुलिश इंगल्फिंग और बेयरिश इंगल्फिंग होता क्या है। सबसे पहला चीज सर यहां पे देखिए, मार्केट का ट्रेंड आपको समझ में आना चाहिए। मार्केट का ट्रेंड क्या है कि मार्केट एक तो डाउन ट्रेंड में होगा या फिर अप ट्रेंड में होगा। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड पहले यहां पे समझते हैं सर। यहां पे देखिए, आप जब समझोगे मार्केट अगर दी ऊपर से नीचे आ रहा है ना सर, तो समझिए ये डाउन ट्रेंड में है ना, यानी कि डाउन ट्रेंड में है, मार्केट नीचे आ रहा है। ठीक सर, इसी नीचे आने के बाद मार्केट फिर ऊपर की ओर यहाँ पे जाएगा, तो इसको हम लोग अप ट्रेंड यहाँ पे बोल सकते हैं। और सर मार्केट अगर दी यहाँ पे इस प्रकार से चलेगा तो इसको साइडवेज मार्केट बोलते हैं, ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे आ रहा है, एक ही रेंज पे मार्केट जा रहा है। तो डाउन ट्रेंड समझ में आ गया सर। जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा सर और नीचे में यहाँ पे अगर यदि इंगल्फिंग पैटर्न बनेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। कैसे बनता है आगे बात करेंगे। उसके बाद सर जब मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा होता है, ऊपर जा रहा होता है और यहाँ पे एक इंगल्फिंग पैटर्न बनता है ना, तो हम लोग इसको बियरिश इंगल्फिंग बोल सकते हैं। देखिए सबसे पहला चीज सर यहाँ पे आप सभी को मैं बता दूं कि जो चीज यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, इंगल्फिंग, ठीक है, बुलिश इंगल्फिंग, मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा सर। जब भी यहाँ पे देखिए मार्केट नीचे आ रहा होगा, नीचे आ रहा होगा, एक यहाँ पे जो कैंडल बनेगा सर, एक कैंडल बनेगा, वो कैंडल बनेगा यहाँ पे आपका रेड कैंडल, ठीक है। तो रेड कैंडल सर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समझा रहा हूँ पहले, बाकी मैं अभी लाइव आप सभी को चार्ट में दिखाऊंगा, ठीक है। पहला सर रेड कैंडल बनेगा और इस रेड कैंडल को सर इंगल्फिंग का मतलब होता है पूरा का पूरा निगल जाना, खा जाना। तो दूसरा रेड कैंडल अगर यदि पूरा के पूरा इससे बड़ा बन जाएगा, इसको पूरा ढक लेगा, पूरा कवर कर लेगा सर, तो इन दोनों कैंडल को मिला के हम लोग इसको बोल सकते हैं बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, ठीक है। आप सर देखिए, पहला वाला जो यहाँ पे कैंडल है, इस कैंडल के यानी कि ग्रीन कैंडल के अंदर में होना चाहिए और पहली वाली रेड कैंडल को पूरा के पूरा ढक जाना चाहिए, पूरा का पूरा निकल जाना चाहिए ग्रीन कैंडल, ठीक है। एक बार सर आप फिर से समझिए, मार्केट सर यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आ रहा होगा और नीचे एक सपोर्ट लेवल पे एक कैंडल बनेगा सर, रेड कैंडल, और इस रेड कैंडल को सर पूरा का पूरा कवर कर जाएगा एक ग्रीन कैंडल, तो हम इसे बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बोल सकते हैं। यहाँ से मार्केट रिवर्स होता है सर, रिवर्स हो सकता है और मार्केट यहाँ से नीचे की ओर जा सकता है, ठीक है। मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा सर, पहला यहाँ पर रेड कैंडल बनेगा, दूसरा ग्रीन कैंडल बड़ा यानी कि इस रेड कैंडल को पूरा का पूरा ढक लेगा, पूरा का पूरा खा जाएगा, निगल जाएगा सर, तो हम लोग यहाँ पे इसको बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बोल सकते हैं और ये मार्केट को रिवर्स करता है, ऊपर लेके जाता है सर। चलिए एक बार और समझते हैं सर बियरिश इंगल्फिंग। अब सर देखिए, मार्केट जब नीचे से ऊपर जा रहा होगा तो यहाँ पे पहला कैंडल सर, याद रखिएगा, पहला रेड कैंडल नहीं ऊपर में बनेगा, तो पहला ग्रीन कैंडल बनेगा सर, ठीक है, पहला ग्रीन कैंडल बनेगा और इस ग्रीन कैंडल को सर रेड कैंडल पूरा का पूरा निगल जाएगा सर, पूरा का पूरा खा जाएगा, तो हम लोग इसको बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं सर। आप देखिए, ये जो ग्रीन कैंडल है रेड कैंडल के बिल्कुल बीच में है, पूरा का पूरा खा गया है यहाँ पे रेड कैंडल। एक बार सर यहाँ पे देखिए, मार्केट जब यहाँ पे नीचे से ऊपर जा रहा होगा
तो पहला यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनेगा सर, और इस ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल पूरा ढक लेगा, कवर कर लेगा, तो इसे हम लोग बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं, और ये सर मार्केट को नीचे लेके आता है। चले सर आगे यहाँ पे देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये है सर अपना यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, पहला यहाँ पे रेड कैंडल है और दूसरा रेड कैंडल को पूरा का पूरा खा गया, पूरा का पूरा निगल गया ग्रीन कैंडल, आप यहाँ पे देख सकते हो, तो इसे हम लोग बुलिश इंगल्फिंग बोलते हैं। और सर देखिए बियरिश इंगल्फिंग मतलब क्या सर, मार्केट जब ये ऊपर जा रहा होगा तो पहला ग्रीन कैंडल बनेगा और ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल पूरा का पूरा खा जाएगा सर, कवर कर जाएगा, ढक लेगा, अब जो भी समझिए, इसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न। चार्ट पे चले सर देखते हैं, चार्ट पे यहाँ पे देखिए सर मार्केट नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, एक रेड कैंडल बना है सर, और इस रेड कैंडल को पूरा का पूरा ढक लिया सर यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल, तो सर इस पैटर्न को बोलेंगे यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। और सर इसमें ट्रेड कैसे करना है, इस वाले बुलिश इंगल्फिंग का जो लो है सर, ठीक है, जो शेडो है इसको ऊपर पार करेगा, यहाँ पे कवर करेगा, हम यहाँ पे बाय करेंगे, नीचे अपना स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक सर। इसके उल्टा बियरिश इंगल्फिंग में मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा होगा, एक ग्रीन कैंडल बनेगा सर, और ग्रीन कैंडल के बाद तुरंत यहाँ पे दूसरा कैंडल रेड कैंडल बनेगा और ग्रीन कैंडल को पूरा पूरा निगल जाएगा, खा जाएगा, यानी कि सर पहली वाली कैंडल से दूसरी वाली कैंडल बड़ा होना चाहिए, निगल जाना चाहिए, तो इसे इंगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं। और यहाँ से देखिए सर मार्केट नीचे रिवर्स, ठीक है। अब सर देखिए मार्केट नीचे आ रहा था, यहाँ पे एक पहला रेड कैंडल है और इस रेड कैंडल को पूरा का पूरा ढक लिया सर ग्रीन वाले कैंडल, तो इसको बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं, क्योंकि मार्केट के नीचे में बना है, यही ऊपर में बनेगा सर तो बियरिश इंगल्फिंग बोलेंगे। देखिए सर यहाँ पे पहला रेड कैंडल है और इस रेड कैंडल को पूरा का पूरा ढक लिया सर ग्रीन कैंडल, तो इसे हम लोग इंगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं, और ये सर मार्केट के नीचे बनता है तो मार्केट को ऊपर लेके जाता है सर। यहाँ पे देखिए मार्केट सर यहाँ पे नीचे आ रहा था, यहाँ पे सर बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना है और ये मार्केट को ऊपर लेके गया है। अब सर देखिए बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न, ये सर मार्केट जब ऊपर जा रहा होगा तो ऊपर में पहला ग्रीन कैंडल बनेगा सर और दूसरा कैंडल रेड कैंडल बनेगा, जो कि ग्रीन कैंडल को पूरा पूरा कवर कर लेगा सर, पूरा पूरा ढक लेगा, खा लेगा, तो इसे सर हम लोग यहाँ पे बोलते हैं बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न, ठीक है। अब सर ये मार्केट में देखिए, मार्केट देखिए नीचे से ऊपर जा रहा था सर, एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना और दूसरा कैंडल रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को पूरा कवर कर लिया, ढक लिया, यहाँ पे सर आप सेल कर सकते हैं, यहाँ पे एसएल लगा सकते हैं, नीचे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, मार्केट को रिवर्स कर दिया। अब सर यहाँ पे देखिए ये वाला सर यहाँ पे देखिए मार्केट नीचे आ रहा था, पहला रेड कैंडल, उसके बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल ढक लिया पूरा का पूरा रेड कैंडल को, तो ये बुलिश इंगल्फिंग हो गया सर, और मार्केट देखिए ऊपर गया, पहला यहाँ पे ग्रीन कैंडल और दूसरा रेड कैंडल पूरा का पूरा खा गया, निगल गया इस ग्रीन कैंडल को, तो इसे बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया सर। अब यहाँ पे देखिए वही चीज़ है सर यहाँ पे, ठीक है, जो मार्केट को नीचे लेके आया यहाँ पे बियरिश इंगल्फिंग बना है, और यहाँ पे सर आप देख सकते हो मार्केट देखिए नीचे से ऊपर जा रहा था, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे बियरिश इंगल्फिंग बना और मार्केट को नीचे लेके आ गया। तो सर यहाँ पे देखिए उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है, बुलिश इंगल्फिंग बियरिश इंगल्फिंग मैं यहाँ पे आसानी से बता दिया हूँ। बाकी सर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यहाँ पे मैं जो भी चीज़ें वीडियो अपलोड करूँगा, डेली एक वीडियो आ रहा है मेरा, डेली फॉरेक्स ट्रेडिंग आप सीखोगे, अगर आप मीटिंग में टाइम मिलता है तो मीटिंग में आइए, नहीं तो आप वीडियो देख के भी सीख सकती हो। वीडियो को सर मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।